नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा, स्वागत है आपका चिनाब्डू में। तई नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीडीसी रामबन बी श्रीमती रेणुका कटोच ने चंद्रकोट में जेजेएम का काम शुरू किया। परियोजना की अनुमति लागत 3.42 करोड़ है। उन्होंने क्षेत्र के निवासियों को बधाई दी और माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को इस तरह के लोगों के अनुकूल परियोजनाओं के लिए धन्यवाद दिया। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। देखिए, आज हम चंद्रकोट पंचायत में हैं। यहाँ पे हमारा जो जल जीवन मिशन स्कीम है, आज उसका उद्घाटन किया गया। मैं सबसे पहले तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि जो उनका एक सपना था, हर घर जल और हर घर नल, आज उनका वो सपना पूरा हुआ। और मैं उसी के साथ अपने जो हमारे एमओएस हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और उसके साथ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके मैं अपने पीएचई डिपार्टमेंट के जो मुलाजम हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने टाइम रहते जो ये स्कीम थी और जो इसका उद्घाटन हुआ। और देखिए, जो हमारे हम थोड़ा ये दूरदराज इलाकों में रहते हैं तो गांव में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है पानी को लेके, और हमारे और भी बहुत से अभी जो घर हैं कि उनको अभी जो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उसमें भी दिया जाएगा। जो हमारी ये स्कीम है 3 करोड़ 45 लाख की है जो, और इसमें हमारे जो 95 जो फैमिलीज हैं जो अभी तक अनटच्ड है, जिनको अभी कनेक्शन नहीं मिले हैं, उसमें इनको भी दिया जाएगा। और मैं एक बार फिर से अपनी पूरी चंद्रकोट की आवाम को अपनी ओर से मुबारकबाद देती हूँ। और हमारे जो यहाँ पे सरपंच जी हैं, इनका भी काफी इसमें योगदान रहा, मैं इनको भी मुबारकबाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। इतनी खुशी है, मैं कहूँ ईद है या दिवाली है, इससे भी बढ़कर खुशी का दिन है, क्योंकि हमारी एक दरीना मांग थी पीने के लिए साफ पानी, जिसे आज पूरा किया गया। उसके पानी का उद्घाटन हुआ है और आज से ये काम शुरू हुआ है। तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये की लागत का ये एक्शन प्लान है, तो इसमें जल्द से जल्द काम हुआ। मैं पीएचई डिपार्टमेंट अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण डीसी डोडा विशेष पाल महाजन ने डीसी कार्यालय परिसर डोडा में पात्र बेरोजगार युवाओं के बीच जम्मू और कश्मीर अनुबंध कैरिज रूट परमिट जारी किए। विभाग द्वारा सभी जम्मू कश्मीर अनुबंध कैरिज मार्ग परमिट पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के सभी मार्गों के लिए 2 टेम्पो ट्रैवलर्स और 1 बुलेरो वाहन के पक्ष में परमिट जारी किए गए हैं। रामबन जिले के बनिहाल के 17 अग्निवीरों के पहले समूह का सपना सच हुआ, जिन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया भारतीय सेना का सिपाही बनने के लिए। तो देखिए मेहरानवानी की रिपोर्ट। कमांड अधिकारी महोदय मेजर अरुणोदय साहब, अधिकारीगण, सरदार साहिबान एवं भारतीय सेना का भविष्य बनने वाले सिलेक्टेड अग्निवीरों का, मैं नायक कर्नल राज आपका आज के इस सम्मान समारोह में राष्ट्रीय राइफल और इंडियन आर्मी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारी भारत राष्ट्रीय राइफल द्वारा रामबन जिले के बनिहाल क्षेत्र के 1175 युवा का रजिस्ट्रेशन किया गया और जो ने इस द्राबू में चकनट वास है,
मैं बरारर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमें वक्त वक्त पर गाइड किया, हमारे फिज़िकल पे बहुत ध्यान दिया, हमें रनिंग करवाई, हमारी क्लासेस रिटर्न के लिए तैयारी कराई गई, ऑनलाइन कराई गई, बाद में ऑफलाइन कराई गई। तो मैं राजेश सर और कसन सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त वक्त पर गाइड किया। और जो हमें सिलेक्शन हुई हमारे इंडियन आर्मी में एज ए अग्निवीर, तो हमारे घर में बहुत खुशी है, हमारे दोस्तों में बहुत खुशी है, वो हमें मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमें देश की सेवा करने का मौका मिला। और कुमार, मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर, आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और सभी सर मुबारकबाद भी देते हैं मुझे सर। और सर, मैं मेरे अंदर बहुत ही सर पहले से जुनून था कि सर मैं आर्मी में जाऊँ और देश की सेवा करूँ। और सर, मेरे घर वाले भी सर आज बहुत खुश हैं सर। इस मौका में जाकर सर मैं यही चाहता हूँ कि अपने देश की सेवा अच्छे से करूँ सर। तो बहुत ही सिचुएशन पास करके सर हमने इधर इस मुकाम तक पहुँचे हैं सर। पहले हमारी रनिंग हुई सर, उसमें से सिलेक्ट हुए, फिर हमारा मेडिकल हुआ, उसमें से फिट हुए, और आज सर रिटर्न होके सर हम भारतीय सेना का कितने सर। लोग ऐसे तो सर रामबन डिस्ट्रिक्ट से 70,000 लड़के थे रनिंग के लिए, उसमें से सर कुछ 4,080 सिलेक्ट हुए थे। तो सर उसके बाद फिर सर अभी 700 कुछ लड़के सर सिलेक्ट हुए हैं। तो ये मैसेज देना चाहते हो कि सर हमें यही करें कि सर देश की सेवा करें। जिला डोडा के क्षेत्र मछला का रहने वाला सुजीत सिंह, उनका कहना है कि वह सरकारी ज़मीन पे एक मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ लोग मंदिर बनाने नहीं दे रही है और उन पे अत्याचार कर रहे हैं। तो आगे देखिए इनका क्या कहना है। मैं सुरजीत सिंह हूँ, मछला का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 9 में। वहाँ पर मैन सिंह सन ऑफ होशियार सिंह सन ऑफ मैन सिंह, उन्होंने क्या किया है कि मेरे मकान के साथ में मैं मंदिर बना रहा था, मंदिर बनाने नहीं दिया, बंद कर दिया मुझे मंदिर। वहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुझे वो रास्ता भी वहीं से घर का, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं मेरे साथ। वहाँ पर छोटे छोटे मुझे बच्चे हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं, औरतें डालते हैं, औरतें आती हैं मुकाबला करने। पहले मेरे पास वीडियो बनी हुई है, 3 बार ये हमला मेरे ऊपर हुआ। मैंने नायब तहसीलदार साहब DC साहब से मार्क करके एप्लीकेशन को लिया है और तहसीलदार साहब को दिया है। तहसीलदार ने वहाँ से पटवारी के लिए हुक्म किया है, पटवारी मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत उसको फ़ोन किए हैं, कोई पटवारी नहीं मिलता है, लेकिन वो कम से कम 200 कनाल रकबा जो है खालसा सरकार है, लिहाजा वो बंद होना चाहिए। अगर मैं गवर्नमेंट के रकबे में मंदिर बना रहा हूँ, मंदिर तो एक हर किसी के लिए होता है, लेकिन वो मेरे को हमला करते हैं, वहाँ पर आकर रास्ता भी मेरा बंद करते हैं। मैं मजबूर हो चुका हूँ, तभी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, यहाँ पर आया हूँ मीडिया वालों के पास कि मुझे इसका कन्फर्म गवर्नर साहब तक जाना चाहिए, DC साहब तक जाना चाहिए, इसका मसला मुझे हल होना चाहिए। और ये रकबा जितना भी है ये बंद होना चाहिए। अगर मुझे नहीं है, मुझे मलकीत तक नहीं है, एक कनाल मलकीत क्या होती है, मैं खालसे में खुद बैठा हुआ हूँ, लेकिन क्या करेंगे, मकान बना दिया, हमें पता नहीं था ये खालसा रकबा है, लेकिन मंदिर वहाँ पर मैं शिवजी का मंदिर बना रहा हूँ। मंदिर के लिए अगर ये लोग औरतें डालकर हमला करते हैं, मैंने ईंटें खरीद कर वहाँ रखी है, पत्थर ला कर रखे हैं। मैंने तभी गवर्नमेंट के साथ अपील करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि ये रकबा मुझे बंद होना चाहिए, ना उनको ना मुझे, मेरे घर के भी तार लग जाए, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बच्चों को मार डालेंगे परिवार पर। मैं मजदूर तबके का आदमी हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, हर जगह आकर मजदूरी जाता हूँ, कभी डोडा कभी कहीं, तो घर में कोई होता नहीं है, वो औरतें आकर हमला करती हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। लिहाजा ये DC साहब से अपील है कि ये रकबा बंद होना चाहिए, वहाँ मौके पर फौरन पटवारी तहसीलदार लमरदार चौकीदार तक आने चाहिए, इसलिए वो रकबा बंद होगा कि पता लगेगा कि वाकया ये रकबा खालसा है। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ मीडिया वालों के पास, बस इतने ही शुक्रिया मेरी तरफ से। और आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।